अपने बीवी से इतना प्यार करो कि आसपास के 36 गांव की औरतें भी बोले कि काश मैं इसकी बीवी होती। अफेयर के बिना जवानी और खांसी के बिना बुढ़ापा अधूरा ही रहता है। रात भर भूतों की तरह ऑनलाइन रह के चैटने वालों, भूतों और चोरों का करियर खत्म कर दिया है तुमने। प्यार तो अमर है और अमर ही रहेगा, मरेगा तो वह किसने किया है। विदेशी ताजमहल के साथ सेल्फी लेते हैं और इंडियन लड़के उनके वाइफ के साथ। आधी रात को बच्चे का रोना सुन के पति ने पूछा, मुन्ना क्यों रो रहा है? पत्नी, सो नहीं रहा, बस रोए जा रहा है। पति, लोरी गा के सुला दो। पत्नी, लोरी ही तो गा रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि इससे अच्छा बच्चे को ही रोने दो, तुम चुप रहो। बाल विवाह ही ठीक था, अब तो साला विवाह तक बाल ही नहीं बचते हैं। लड़की बोली, जानू कोई एक शायरी सुनाओ ना। लड़का, सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, पर जब कुछ खाएंगे तो पैसा लगेगा आधा आधा। उसने मुझसे पूछा, चाहोगे मुझे कब तक? मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया, मेरी बीवी को ना पता चले तब तक। पुरानी फिल्मों में परदेसियों का एक ही काम होता था, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करके भाग जाना। मास्टर जी बोले, यह बताओ कौन ज्यादा गुस्सा करता है, लड़की या लड़का? पप्पू, कोई शक नहीं, लड़की गुस्सा करती है ज्यादा। मास्टर, वो कैसे, साबित करो। पप्पू, देखो वो फर्स्ट बेंच वाली पिंकी मुझे किस करेंगी तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन मैं पिंकी को किस करूँगा तो पिंकी जरूर गुस्सा हो जाएंगी। अब मास्टर जी बेहोश पड़े है। पत्नी ने पति से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए 3,000 रुपए मांगे। पति ने पत्नी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ सोचे पटक से 6,000 रुपए दे दिए, जो समझे वही असली पति है, बाकी सब मोह माया है।